खत्म हो गया। हमारा जो मुकदमा 50-70 साल से चल रहा था, हम उस मुकदमे के अंदर कामयाब हैं कि बाबर ने अपनी जगह मस्जिद बनाई है, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। हम मुसलमान हैं, हम जानते हैं कि अगर किसी दूसरी जगह के ऊपर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाती, वो मस्जिद मस्जिद नहीं है। मस्जिद वो है जो मस्जिद की जगह है और उस जगह को वक्फ किया गया है। हम तो इस मुकदमे के अंदर कामयाब हैं। जब ये कह दिया गया कि मस्जिद अपनी जगह बनी है, मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। दूसरा फैसला क्या है कि जिन्होंने अंदर घुसकर मूर्तियां रखी हैं वो मुजरिम हैं, उन्होंने गलत किया, मसला खत्म हो गया। जब सुनने वाले सुन रहे थे फैसले को, तीसरा फैसला अपनी जगह के ऊपर था कि ये मस्जिद की जगह है। लेकिन ये अलग बात है कि फैसला ये दे दिया गया कि लेकिन हम ये जगह हिंदुओं को देते हैं। ठीक है, आपने दे दी, हम अपने मुकदमे के अंदर कामयाब हैं। हम आज नहीं बोलते ना, हमें बोलना चाहिए, इसलिए कि जो सबसे बड़ी मुल्क की अदालत है उसने ये हिंदू भाइयों को दे दी। हम नहीं बोलते, हम हजार दफे कह चुके थे कि यह आखिरी हमारी लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर देगा हमें वो मंजूर है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हम अपने घर बैठ गए। हम खामोश हैं, हम नहीं कहते कुछ, लेकिन दुनिया खत्म तो नहीं है। हम खत्म हो जाएंगे, आगे आने वाला मुअर्रिख ये लिखेगा कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर किस तरीके पर बनाए। हम नहीं बोलते, लेकिन क्या आने वाली दुनिया खामोश हो जाएगी? मेरे भाई, ये तो दुनिया के हालात हैं। कल कोई और था, आज कोई और है। अगर हम ये समझते हैं कि अरशद हमेशा जिंदा रहेगा तो पागल है, मरेगा, मेरी जगह कोई दूसरा आ सकता। ये तो दुनिया है, यहां इसी तरह आना जाना लगा हुआ है। ऐसी जात जो हमेशा से है, हमेशा रहेगी, मैं कहता हूं वो ओम है, यानी अल्लाह।